हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ मेथी का एक फ्राई काइंड का सब्जी। मेथी हमें नॉर्मली थोड़ा सा कड़वा लगता है, इस प्रोसेस में बनाने से मेथी बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे दो गुच्छा मेथी को धो के फिर कट करके ले रही हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा आलू, छोटा सा गाजर, एक मीडियम साइज़ का प्याज ले रही हूँ। सबको इक्वल कट करके मैं ले रही हूँ। यहाँ पे मैं 3 से 4 कलियाँ लहसुन को चॉप करके ले रही हूँ, एक सूखा मिर्ची और आधा चम्मच जीरा। यहाँ पे मैं एक कढ़ाई में 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल ऐड कर रही हूँ, फिर उसके अंदर मिर्ची को मैं तोड़ के ले रही हूँ, फिर जीरा ऐड कर रही हूँ। इन सब को थोड़ा सा सौते करके इसके अंदर मैं कटे हुए आलू और कटे हुए गाजर ऐड कर रही हूँ। टेस्ट के हिसाब से नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। अभी इन सबको मैं अच्छे से मिला लूँगी और ढक्कन लगा के 5 से 7 मिनट तक कुक होने के लिए छोड़ दूँगी और बीच बीच में इसे चेक भी कर लूँगी। सब्जी 80% कुक होने के बाद मैं यहाँ पे कटे हुए प्याज ऐड कर रही हूँ। अभी मैं इसे और 1 मिनट फ्राई करूँगी, फिर उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ कटे हुए लहसुन और कटे हुए मेथी। मेथी थोड़ा सा सॉफ्ट होने के बाद मैं यहाँ पे टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर रही हूँ। अभी मैं इसे मीडियम फ्लेम पे ऐसे चलाते रहूँगी जब तक मेथी का जो पानी है वो ड्राई ना हो जाए, तब तक इसे चलाते रहना। यहाँ पे मेथी का जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अभी गैस को ऑफ करके इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेना। ये चावल और पराठा के साथ बहुत अच्छा लगता है खाने में, आप इसे ज़रूर ट्राई करना और कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।